सो एवरीवन वेलकम बैक। कि आप भी परेशान हो कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लें, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस लेकर आए हैं। इस गाड़ी को आप 1.5 लाख में आप आसानी से परचेस कर सकते हो। ये जो गाड़ी हम आपको यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो इंडिया की टॉप 5 बेस्ट सेलिंग स्कूटर है। तो इस वीडियो को देखकर आपको मजा आ जाएगा, और आप जिस भी बाइक को अगर आपको लेने के बारे में सोच रहे होगे तो उसका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट नंबर पे रखे हैं, यहाँ पर TVS का ही बाइक है, TVS iQube। तो TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखो यार, इसका जो फाइबर है, फाइबर आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी जो बॉडी है, केसिंग जबरदस्त है, इसको मैंने पर्सनली चला के देखा हुआ भी है, ठीक है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का होता है उसका रेंज। तो इसका रेंज आपको 100 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है, और वहीं पर इसके टॉप स्पीड की बात करोगे तो 78 किलोमीटर पर आवर की आपको स्पीड देखने को मिलेगी। देखो बैटरी की जो चार्जिंग टाइम है वो 4.5 घंटा आप चार्ज करने में लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको ये 3 कलर में मिल जाएगा, रेड, यहाँ पर एक तुम्हारा एक है कार्बन कलर ग्रेफाइट वाला है, ठीक है, और एक तुम्हारा व्हाइट कलर। यहाँ पर देखो इसमें इसके कुछ स्मार्ट फीचर भी आप देख लो। यहाँ पर देखो स्मार्ट लेड हेडलाइट विद DRL है, ठीक है। यहाँ पर देखो फास्ट चार्जिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। HMI कंट्रोलर है इसमें। देखो बूट स्पेस आपको 32 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है, और भाई 7 इंच का यहाँ पर आपको एक टच स्क्रीन डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है। अब देखो TVS iQube की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो इसमें जो बैटरी लगा है वो लिथियम आयन बैटरी है, जिसकी कैपेसिटी है 3.04 किलोवाट आवर। देखो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस का जो रेटिंग है IP67 रेटिंग है। इस 52 वोल्टेज का क्या है आपका इसकी रेटिंग है। इसमें सेफ्टी भी लगा आपका, BMS कंट्रोल प्रोटेक्शन सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसमें देखो आपको जो चार्जिंग मिलेगा, चार्जर इसका 650 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। 0 से 80% आपका अभी लेस देन 5 आवर यानी 4.5 घंटा में चार्ज करके दे देगा आपको। तो इसका जो चार्जिंग केबल है आप यहां से देख सकते हो, इस तरीके का कुछ आपको चार्जिंग केबल मिलने वाला है, ठीक है। चार्जिंग केबल का जो देखो पावर, ये जो कितना करंट लेता है, 15 एम्पीयर का एक करंट इनपुट है इसमें, ठीक है। अब इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये गाड़ी आपको 1,41,533 रुपये ऑन रोड प्राइस कब आपको मिल रहा है, फेम टू सब्सिडी लॉन्च होने के बाद। फेम टू सब्सिडी कितने का है, 21,131 रुपये का आपको फेम टू सब्सिडी देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड इलेक्ट्रिक स्कूटर की। इसमें हमने रखा है रिवर एंडी। देखो अभी इसकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई, इसी मंथ में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें देखो भाई, इसका जो सबसे बेहतरीन, तो यार इसका जो मॉडल है ना, वो काफी आपको एक गलत गजब तरीके का लुक देने वाला है। यहाँ पर देखो ये आपको यहाँ पर जो इसका जो पैर रखने वाला है आपको काफी फ्लैट बना के दे दिया इन्होंने, जहां पर आप किसी भी तरीके से आसानी से आप गैस सिलेंडर को रख भी सकते हो। यहाँ पर देखो डिग्गी भी दिया है, इस डिग्गी को आप अटैच कर सकते हो, डिटैच भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो एलॉय का आपको फ्रंट फुट पेक्स दिया है ना, जिसमें आप पैर को भी रख सकते हो। ये देखो यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुछ सामान अपना रख सकते हो। देखो यहाँ पर आपको जो ये सीट मिलने वाला है, काफी अच्छा सीट मिलेगा, एकदम कंफर्टेबल सीट है यार, ये गाड़ी बहुत ही जबरदस्त है। देखो इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाएगा। इसका जो ट्यूबलाइट है वो काफी बेहतरीन है इसमें, ठीक है। प्रोस्टेट ट्यूब टेल लाइट है, यानी आप खराब से खराब कंडीशन में भी आपको ये लाइट ना काफी विजिबल होता है। अब इसमें देखो इसका जो रेंज है 120 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। अब टॉप स्पीड इसका है आपको 90 किलोमीटर पर आवर की। देखो इसमें जो पीक पावर, मोटर का पीक पावर है 6.7 किलोवाट आवर की। मैक्सिमम जो टॉर्क है 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें देखने को मिलेगा। देखो इस गाड़ी में 3 मोड दिए गए हैं, इको, राइड एंड रस। रस में यानी बहुत फास्ट चलेगा, इको में आप जेंटली चला सकते हो। ग्रेडिबिलिटी 18 डिग्री है। ग्रेडिबिलिटी ये बताता है कि हाइट यानी कितने स्लोप पर गाड़ी जा सकती है ऊपर नीचे, ठीक है, यानी ढाल पे कितना ढाल पे ऊपर ऊंचा सकते हो इससे। तो इसमें बैटरी की जो कैपेसिटी है 4 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम अभी बात कर ली है, डिस्क कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें देखो चार्जिंग टाइम वही है अमूमन 5 आवर, जो हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको देखने को मिलने वाला है। और इसकी देखो यार जो सबसे अच्छी बात है, इसकी जो कीमत है आपको एक्स रूम प्राइस इसमें है 1,25,000। अभी इसका नया प्राइस
डिसाइड नहीं हुआ है, जब फेम टू सब्सिडी इसमें लगेगा तो प्राइस और कम हो जाएगा। अब हम बात करने तो हम बात करेंगे ओला S1 प्रो सेकंड जनरेशन की। तो ओला S1 सेकंड जनरेशन के देखो जो सर्टिफाइड रेंज है आपको 195 किलोमीटर मिलने वाला है। पीक पावर तुमको 11 किलोवाट का मिलेगा। टॉप स्पीड आपको इसमें 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलने वाली है, ठीक है। ओला S1 सेकंड जनरेशन है ये, ठीक है। ओला S1 X के कुछ नए मॉडल लॉन्च भी किए हैं जिनको आप अंडर 1 लाख भी आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पर देखो इसके रेंज की बात, देखो 195 किलोमीटर से सर्टिफाइड रेंज है। टॉप स्पीड यार इसका 120 किलोमीटर का है। एक्सेलरेशन देखो 0 to 40 सेकंड में, ठीक है, 2.6 सेकंड में 0 to 40 किलोमीटर का स्पीड आपको निकाल के दे देगा किलोमीटर पर आवर का। तो यह एक्सेलरेशन भी काफी तगड़ा है। देखो हेडलैम्प आपको देखो काफी आइकॉनिक हेडलैम्प देखने को मिलेगा। बूट स्पेस भी काफी अच्छा, आप इसमें हेलमेट रख सकते हो, जिम का सामान भी रख सकते हो। देखो पहले ग्रिल नहीं था तो बैठने में लोगों को दिक्कत होता था, अभी ग्रिल लगा दिया तो पकड़ के आसानी से बैठ सकते हो। अब यहाँ पर देखो जो बैटरी है इसमें 4 किलोवाट की बैटरी है। जो मोटर का पावर है वो 5 किलोवाट का मोटर है, ठीक है। और जो पीक पावर मोटर जनरेट करता है कितने का, 11 किलोवाट का करता है। और 0 to 60 किलोमीटर पर आवर का आप इसमें ले सकते हो 2.6 सेकंड में, ठीक है। तो ये आपका जो गाड़ी था हमारा कौन सा था, ओला S1 प्रो सेकंड जनरेशन, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले एथर की। तो हमारा जो फोर्थ नंबर का बाइक है वो एथर है। देखो इसमें आपको 3 कलर देखने को मिल जाएंगे। हम बात करें कॉस्मिक ब्लैक की। यहाँ पर भाई देखो इसका जो टॉप स्पीड है आपको 90 किलोमीटर का मिलेगा। और इसमें देखो रेंज भी मिलता है 90 का और स्पीड भी इसका कितना है 90 का है। और इसका जो एक्सेलरेशन है 3.9 सेकंड में ये आपको स्पीड दे देगा कितने का, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आपको निकाल के दे देगा। और देखो ये अभी इन लोगों ने एक डैशबोर्ड में एक्सपेरिमेंट किया जो काफी अच्छा लुकिंग है इसके डैशबोर्ड का, स्पेशली ये एथर में ही आ रहा है इस तरह का डैशबोर्ड। अब यहाँ पर देख सकते हो तुम ये पार्किंग असिस्टेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर तुम कहीं पर भी अगर ढाल पे जा रहे हो, अगर तुमको नहीं भी अगर मालूम है तो ऑटो होल्ड कर लेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया है। देखो 22 लीटर का बूट स्पेस है जिसमें आप आसानी से अपने सामान ग्रोसरी उसरी रख सकते हो। और इसमें भी तुम्हारा डुअल डिस्क ब्रेक है, तो भाई स्पीड अगर इसमें अच्छा खासा दिया तो ब्रेक भी तो डिस्क ब्रेक होना चाहिए। देखो आप घर पर इसको आसानी से चार्ज कर सकते हो, तो होम पर चार्ज करने का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर देख लो 2.9 किलोवाट बैटरी वाला अगर मॉडल लोगे तो आपको 1,29,999 पड़ेगा 2.9 किलोवाट बैटरी का, ठीक है। कौन सा, ए 450S सीरीज वाला अगर आप देखने अगर आप देखते हो तो आपको मिलेगा 1,37,999 में। इसमें तुमको गूगल मैप्स की से का एक फंक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेविगेशन आपका टर्न बाई टर्न है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस ट्रू रेंज 90 किलोमीटर इन दोनों का है, लेकिन प्राइस डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से, इस नेविगेशन सिस्टम की वजह से, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले है उन डिस्प्ले की वजह से प्राइस में आपको स्लाइट वेरियंस देखने को मिलेगा। अभी जो हाल ही लॉन्च हुआ 450S सीरीज, ठीक है, जनरेशन 3 की 3.7 किलोवाट और बैटरी की आपको कीमत मिलेगा 1,44,921 रुपये, ठीक है। और ये गाड़ी आपको 4.5 घंटे में आसानी से आप चार्ज कर लोगे इसको। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट में अपने बजाज चेतक की। तो देखो बजाज चेतक आपको काफी आइकॉनिक लुक देखने को मिलेगा, बहुत डिसेंट सा फील होता है, पुराने जमाने का याद आ जाता है इस गाड़ी में बैठने बैठकर। इसकी जो एक्सरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगा 1,30,000 है। इसका जो सर्टिफाइड रेंज है 100 किलोमीटर। टॉप स्पीड आपको 63 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। बैटरी चार्ज 4 घंटे में हो जाता है, ठीक है। बैटरी की कैपेसिटी आपको 2.9 किलोवाट आवर की देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आप चार्जिंग इसका व्यवस्था पीछे दिया है, चार्जिंग का सिस्टम 108 किलोमीटर का रेंज अभी हम लोग बात कर रहे हैं। 100% चार्ज होने में कितना घंटा लेता है, 4 आवर्स लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट होगी, तुम कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।